रविवार शाम से ही बरसात ने पूरी नगर इंद्रगढ़ को तालाब बना दिया है। इंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 4 राजा का बाग स्थित घरों में पानी भर गया। पानी 1.5 से 2 फुट तक भरा हुआ है। जल भराव से पुराने मकान कभी भी धराशायी हो सकते हैं। स्कूली छात्र छात्राओं के 2 दर्जन कोचिंग सेंटर इसी क्षेत्र में स्थापित हैं, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। जल भराव के कारण कई छात्राएं पानी में गिर चुकी हैं। नगर परिषद इंद्रगढ़ CMO महेंद्र सिंह यादव सुबह से ही सफाई कर्मचारियों के साथ पानी निकासी के प्रयास में जुटे हैं। नगर के दबंगों के द्वारा पानी निकासी के बने नाले पर अतिक्रमण कर उन्हें बंद किया जा चुका है। इस कारण जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। नगर इंद्रगढ़ में जल भराव होना कोई नई बात नहीं है। कारण यह है कि घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पानी बड़े नालों के माध्यम से नगर के बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नगर के बाहर की ओर जाने वाले नालों को स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण करके बंद कर दिया गया है। इस कारण शीतलागंज स्थित वार्ड क्रमांक 4 और 5 का पानी बाहर बड़े नाले तक नहीं पहुंच पाता। शीतलागंज राजा का बाग में ही पानी भर जाता है, क्योंकि पानी निकालने के रास्ते नाले में ही भर जाता है और नाले नालियां अवरुद्ध हो गए हैं। यही आल भांडे रोड पर सेवरा रोड पर भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर नाले पर अतिक्रमण कर पानी की निकासी रोक दी गई है। नाले से अतिक्रमण हटाने का नगर परिषद ने थोड़े प्रयास किए, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं ने के राजनीतिक ताकत के आगे सारे प्रयास विफल रहे और जल निकासी का कोई भी स्थायी हल आज तक नहीं निकल पाया। आलम यह है कि वार्ड क्रमांक 4 के घरों में लगभग 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में कई इन मकानों में रहने वाले रहवासी जाएं तो कहां जाएं। जल भराव से लोगों के घरों में रखी खाद्य सामग्री खराब हो गई है। पुराने मकानों में अत्यधिक पानी भरने के कारण हादसे होने की भी संभावना है।